एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में 3,500 प्राध्यापकों की कमी है। इन पदों को 3 चरण में भरा जाएगा। वहीं अगले 3 वर्षों में 200 ऑटोनॉमस कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने महाराज छत्रसाल यूनिवर्सिटी में 4 नए सब्जेक्ट की पीजी कक्षाओं की शुरुआत करवाई। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में 3,500 प्राध्यापकों की कमी है और 3,500 अन्य पदों का स्टाफ नहीं है, जिनकी भर्तियां जल्द ही 3 चरणों में शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा, वहीं प्रदेश में 3 साल के अंदर 200 ऑटोनॉमस कॉलेज खोलने की भी उनकी सरकार ने तैयारी कर ली है, जिससे इन कॉलेजों के माध्यम से नई शिक्षा नीति के तहत छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा दी जा सकेगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के 4 विषयों की पीजी क्लासों के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ बुंदेलखंड में हम उपस्थित हुआ और छतरपुर में होने वाले इस कार्यक्रम में मुझे खुशी इस बात की कि हमारा विश्वविद्यालय लगभग 10 साल पहले प्रारंभ हुआ, लेकिन अभी तक शैक्षणिक स्तर पर अपने स्वयं के बलबूते पर उसने अध्ययन अध्यापन का काम प्रारंभ नहीं किया था। संस्कृत, हिंदी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस 4 सब्जेक्टों को लेकर प्रारंभ किया। इस अवसर पर मुझे ध्यान में आया है कि हमारे इस विश्वविद्यालय की और महाविद्यालय की दोनों के अंदर की कुछ चीज़ों के बारे में विकास करना, तो मैं पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास लगभग 10,000 प्राध्यापकों के पदों में से 6,500 प्राध्यापकों के पद हमारे पास आज की स्थिति में परमानेंट वाले हैं। लगभग 3,500 प्राध्यापकों को हमको भर्ती करना है। हमने चरणबद्ध 3 साल लगातार पीएससी के माध्यम से उनको भर्ती करने का निर्णय लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।